हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक मिस्टर टेक मीटर्स। हम लोग जिस शेयर के ऊपर बात करने वाले हैं, फर्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे इस कंपनी के बारे में CDSL के। तो अभी कैसी परफॉर्म कर रही है, इसकी फाइनेंशियल कंडीशन चार्ट चेक सब कुछ समझते हैं विस्तार से इस वीडियो में। जो चैनल पे नए हो चाहे सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल जो प्रेस करें ताकि आने वाले नेक्स्ट अपडेट आपसे मिस ना हो। आप टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए, जो CDSL है वो करंटली काफी तगड़ा परफॉर्म कर रहा है, 1449 रुपीज 30 पैसे के अराउंड शेयर ट्रेड कर रहा है। तो अच्छी खासी इसकी ग्रोथ रही है। देखिए, जब से 1000 से लगातार इसकी रैली बनी हुई है, तगड़ी रैली बनी हुई है। पहले जो था वो ट्रेंड पॉजिटिव रखा काफी टाइम तक, उसके बाद काफी तगड़ी अब जो रैली है, पहले भी अच्छा मूव दिया है, मतलब रिटर्न वाइज में तो कंपनी ने छप्पर फार के रिटर्न दिया है। तो करंटली इसी को डिस्कस करते हैं कैसा फाइनेंशियली परफॉर्म कर रही है। अर्निंग नंबर जो आने वाले हैं ट्रेडर्स, वो यहाँ पे लिख रखा है 1 सितंबर का। उसके बाद अर्निंग पर शेयर जो हो रही है, शेयर को वो 19 रुपीज 15 पैसे, 136 की मार्केट कैपिटल, थोड़ा बहुत डिविडेंड प्रोवाइड करती है। प्राइस अर्निंग रेशियो 73 चल रहा है अभी, तो इस हिसाब से हाई है। आइए इसी को डिस्कस करते हैं। और टेक्निकल इंडिकेटर द्वारा बाय की कॉल रिकमेंड आ रही है। फाइनेंसिस पे नजर डालें तो नंबर ऑफ शेयर होल्डर 1,47,000 से अब लोग होल्ड करके चल रहे हैं। हाई लो का डिफरेंस देखा जाए तो बहुत ही बड़ा है, 283 से 1,496 रुपीज तक शेयर ट्रेड कर चुका है। आइए इसके अब फाइनेंसेस को समझते हैं। तो यहाँ पे इंडियन रुपीज में मार्केट कैपिटल जो ट्रेडर्स आ जाती है वो 14,625 करोड़ की है। बुक वैल्यू 83 रुपीज 90 पैसे है, तो अपनी बुक वैल्यू से ऑलरेडी बहुत ज्यादा ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो अगर आपको एकदम फ्रेश एंट्री लेनी है तो करंट लेवल पे बिल्कुल आपको एक सही जगह पे लेना पड़ेगा, सपोर्ट को देखते हुए लेना पड़ेगा, वरना आप इसमें काफी लंबा फंस सकते हैं। बाकी ROE की बात करें तो 25% का दिया है कंपनी ने, अच्छा खासा परफॉर्म किया है। प्रमोटर्स की होल्डिंग बस 20% है, तो सबकी होल्डिंग भी चेक करना काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। रिटर्न ऑन एसेट कंपनी का 20.7% रहा है, तो अच्छा खासा है। सेल ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 12 महीने में बहुत ही तगड़े तरीके से बढ़ी है। Q1Q नंबर का देखा जाए तो वहां पे नंबर इसके कम आए हैं। ऑल टाइम हाई जो प्राइस गया है 1,424 रुपीज का यहाँ पे मेंशन है। इस हिसाब से कंपनी की अगर कंडीशन देखी जाए ट्रेस, तो जो ट्रेंड है वो काफी अच्छा पॉजिटिव है। पर ये जो रैली 1100 से कह लीजिए 1400 तक गई है, इसमें जाहिर सी बात है काफी करेक्शन आएगी, क्योंकि एक ही बार में इतना ज्यादा जो रैली दिखाया है जाहिर सी बात है कंसोलिडेट करेगा। प्रो कॉन्स पे बात करें तो कंपनी डेट फ्री है। एक्सपेक्टेड जो आने वाले क्वार्टर के नतीजे हैं उसकी उम्मीद लगाई जा रही है कि नंबर अच्छे आएंगे। CAGR ग्रोथ जो रही है प्रॉफिट ग्रोथ का वो 24.1% रहा है, मतलब 5 ईयर का काफी अच्छा। हेल्थी डिविडेंड पे आउट भी कंपनी मैनेज की है 42.69% का। डेप्टर डेज भी पहले से इंप्रूव हुए हैं, तो कंपनी फाइनेंशियली काफी तगड़ा परफॉर्म कर रही है। पर एक चीज समझ में नहीं आ रही है, जब चीजें बेहतर है तो यहाँ पे प्रमोटर्स की होल्डिंग डिक्रीज क्यों दिखा रहा है। तो प्रमोटर्स अपने पार्ट्स जो है, अब देखिए 4% लास्ट 3 ईयर में कम किए हैं, ऑलरेडी 20% है। पता नहीं क्यों जब कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है तो होल्डिंग कम कर रखा है। बाकी ट्रेडिंग प्राइस का देखिए बुक वैल्यू से काफी ऊपर ट्रेड कर रहा है, पर जितना प्रोज है काफी अच्छी कंपनी यहां पे नजर आती है फाइनेंशियली, क्योंकि डेप्ट फ्री है ऑलमोस्ट, क्वार्टर के नंबर जो आने वाले हैं अच्छे हैं, हेल्थी डिविडेंड पे आउट है, रिटर्न वाइज भी काफी अच्छा कंपनी ने प्रोवाइड किया है। 283 से 1400 रुपीज तक शेयर ट्रेड किया है, तो क्लियरली दिख रहा है आपको कि रिटर्न भी अच्छा दिया है, डिविडेंड भी अच्छा प्रोवाइड करती है कंपनी। अब इसके आगे और बात कर लें क्वार्टरली नंबर पे ट्रेड्स, तो यहाँ पे देखिए सेल पहले से बेहतर हुई है, लास्ट क्वार्टर से इस क्वार्टर में सेल बेहतर है। पर यहाँ पे नीचे आने पे 2 करोड़ का इस बार का नंबर कम है लास्ट क्वार्टर से, इसीलिए वहां पे आपको ये जो नेगेटिव में परसेंटेज 3.63 लिख रखा है। पर ऐसा नहीं है कि क्वार्टर के नतीजे खराब है, अच्छी कंपनी परफॉर्म कर रही है, फाइनेंशियली काफी स्ट्रॉन्ग कंपनी नजर आती है। क्योंकि प्रॉफिट लॉस बुक पे नजर डालिए ट्रेस, यहाँ पे मार्च 2010 से मार्च 21 तक का डाटा है, और आपको हमेशा दिखाई देगा कि नंबर में इसके ग्रोथ रही है, कंपनी काफी तगड़ा परफॉर्म कर रही है, यहाँ पे क्लियरली पता लगता है। फिर प्रॉफिट की बात करें तो 12 महीने में 89% बढ़ा है, लास्ट 3 ईयर का 25%, 5 ईयर का 24%, मतलब कंपनी जो इन चीजों में है काफी तगड़ा परफॉर्म किया है। सेल ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, CAGR, रिटर्न ऑन इक्विटी भी काफी स्ट्रॉन्ग रहता है कंपनी का।
इस हिसाब से कंपनी काफी ज्यादा फाइनेंशियली बेहतरीन दिखाई दे रही है। बोरोइंग्स देखिए कंपनी के पास जीरो है, तो इस हिसाब से काफी अच्छा हो जाता है। पहले से कंपनी के रिजर्व्स भी इंक्रीज है, इन्वेस्टमेंट भी बेहतरीन है, कंपनी बहुत अच्छा कर भी रही है इसी वजह से। तो ऐसा नहीं है कि पूरा ऑपरेटर के ऊपर ही है, ऑपरेटर इसका गेम कर रहे हैं, कंपनी परफॉर्मेंस वाइज भी अच्छी है। कैश फ्लो देखिए 38 का अभी आ रहा है नेट कैश फ्लो, तो फाइनेंशियली अच्छी है। तो फिर देखिए शेयर जैसा भी परफॉर्म करे, काफी फास्ट परफॉर्म करे, काफी लो परफॉर्म करे, कोई दिक्कत नहीं रहती है अगर कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन बेहतरीन है। तो इसकी कंपनी की जो फाइनेंशियल कंडीशन है काफी अच्छी नजर आ रही है, बहुत कम कंपनियां ऐसी देखने को मिलती है जिनकी कंडीशन इतनी बेहतरीन रहती है। तो कंपनी इस फाइनेंशियली वाइज काफी तगड़ा है। चार्ट पे बात कर लेते हैं आपको कहां पे एंट्री लेना है। तो देखिए ऑलरेडी शेयर काफी ज्यादा रैली दे चुका है, तो अगर आपकी पहले से बाइंग है तो आप नेक्स्ट टारगेट 1600 तक का लेके चल सकते हैं। पर हाँ, अगर आपकी अभी फ्रेश कॉल लेनी है तो उसके लिए आपको अब वेट करना पड़ेगा, जब तक इसमें करेक्शन ना आए तब तक बिल्कुल बाय नहीं करना है। अगर आपका बहुत लंबा व्यू है तब घबराने की जरूरत नहीं है, जब करेक्शन आ जाए कि सर अब तो गिर गया ये करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने करंट लेवल पे बाय किया है तो अपने रिस्क पे बाय करिए, क्योंकि जाहिर सी बात है जब इतनी रैली दिया है तो करेक्शन शेयर में आनी जरूरी है, तो करेक्शन इसमें पक्का आएगी। अगर आपसे पहले से एंट्री है तो आप होल्ड करके चलिए, और बड़े टारगेट आपको आने वाले 3 मंथ में दिखाई देंगे। कंपनी जिस हिसाब से इसमें देखिए बाइंग आ रही है, कंडीशन जिस हिसाब से वो काफी स्ट्रांग है, तो अगर आपका लॉन्ग व्यू है तो आप इसको, जैसे कि सितंबर 1 को इसके नेक्स्ट नंबर आने हैं, उस हिसाब से जब तक नंबर आएंगे तब तक कंपनी 1600 तक जा सकती है जिस हिसाब से परफॉर्म कर रही है। पर आपको फ्रेश एंट्री लेना है तो बिल्कुल आपको इसको वेट करना है, जब तक कॉन्सिडेट करके एक सपोर्ट ना जनरेट कर ले, क्योंकि अभी अगर आप अभी के सपोर्ट जानना चाहते हैं ट्रेस तो 1000 के नीचे है, तो आप सोच लीजिए आप कितना ऊपर शेयर को बाई कर रहे हैं। इसीलिए जब तक इसमें न्यू सपोर्ट जनरेट ना कर दे, करेक्शन ना दिखा दे, तब तक आप इसमें फ्रेश एंट्री मत लें। जिनकी पहले से बाइंग है वो अच्छा है। आप ऐसा भी नहीं है ट्रेस कि आप अगर फ्रेश एंट्री ले लेते हैं तो आप लॉस में है। फ्रेश एंट्री का मतलब ये होगा कि अगर आप करंट लेवल पे बाय करते हैं और करेक्शन आ जाती है तो आपको शेयर होल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी देखिए फाइनेंशियली अच्छी है, तो आने वाले टाइम पे ऐसा तो है नहीं कि आपको लॉस में रखेगी, आप प्रॉफिट में आ जाएंगे। पर हाँ, उस चीज के लिए आपको एक सही एंट्री लेना है जिससे आपको अच्छा रिटर्न मिले शॉर्ट टाइम पीरियड में, मतलब 3 मंथ 4 मंथ में, जो आपको अच्छा रिटर्न 3-4 मंथ में मिल सकता है। अगर आप गलत एंट्री लेते हैं तो वही 3 मंथ में आपको नॉर्मल सा रिटर्न भी मिल सकता है। ओवरऑल यही था अपडेट इस पूरी कंपनी पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं आपको नेक्स्ट एक साथ नेक्स्ट वीडियो में।